हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MTE02 लीनियर अल्जेब्रा के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ 2y²-2yz+2zx-2xy। तो हम यहाँ सबसे पहले इसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का, जो कि इस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या सबसे पहले हमें लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट जीरो। उसके बाद हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो उसका हाफ लेंगे तो -1। इसके बाद हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड का कोएफिशिएंट 2 है, उसका हाफ लेंगे तो 1। इसी तरह से हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का कोएफिशिएंट -2 है, उसका हाफ लेंगे -1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, इसे एज इट छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई जेड, वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, -2, उसका हाफ लेंगे -1। इसी तरह से हाफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड एक्स, जेड एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, उसका हाफ लेंगे तो 1। उसके बाद हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई जेड, वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, तो उसका हाफ लेंगे -1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, चूंकि यहाँ जेड स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0, हम इसे मान लेते हैं ए। अब हम इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब ए में लैम्डा आई को माइनस करेंगे तो हमें मैट्रिक्स इस रूप में प्राप्त होगा, और फिर उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। इसे किस ट्रिक के द्वारा एक्सपेंड करते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इनटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज इनटू लैम्डा, फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसके द्वारा हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर इसे इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ लैम्डा क्यूब -2λ²-3λ इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिलता है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 0, 3, -1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ जो लेने हैं वह हमें नॉन जीरो लेने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3 और -1 लेंगे, जिसमें कि बड़े वैल्यू को λ1 से शो करेंगे और दूसरे वैल्यू छोटे वैल्यू को λ2 से, ठीक है। और तब सो ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, λ1 x1² + λ2 y1² तो λ1 3 x1² λ2 -1 y1² यानी कि 3 x1² - y1², ठीक है। इस तरह से हम ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद अब नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन x2 √√λ1 x1, ठीक है, √√λ1 का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है, 3x1, तो यहाँ √√3x1। उसके बाद y2 √√λ2 y1, ठीक है, √√λ2 का वैल्यू हमें क्या मिला था, -1 y1, तो √1 y1 = y1। अब इसे ही हम क्या करेंगे, हमें ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म जो हमें प्राप्त हुआ था उसमें हम इसे पुट करेंगे, ठीक है। 3x1² - y1² प्राप्त हुआ था, तो इस 3x1² को हम √3x1² लिख सकते हैं, ठीक है, -y1² तो अब यहाँ पर √3x1 किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा x2 के इक्वल है, तो यहाँ हम इसके बदले में x2 लिख देंगे, x2² - इसी तरह से y1 किसके इक्वल है, y2 के, तो y2² यही हो गया नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमें यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं या तो 1 है या -1 या 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।